मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स भोपाल के बैनर तले पावर हाउस छतरपुर के अधिकारियों और कर्मचारियों ने एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर छतरपुर को सौंपा है। इस अवसर पर बिजली कंपनी छतरपुर के डिविजनल इंजीनियर आर ए मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के बैनर तले एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने बताया कि बिजली के निजीकरण हेतु संसद में दिनांक 8 अगस्त को पेश किए जा रहे इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के विरोध में छतरपुर डिवीजन के सभी अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की बिजली के निजीकरण बिल 2022 का हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आइए दिखाते हैं विराट 24 न्यूज के लिए छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आज कार्य बहिष्कार का आह्वान किया गया था, जो हमारी प्रदेश कार्यकारिणी है उसके निर्देश पर, और जिसकी मुख्य वजह थी कि केंद्र सरकार द्वारा एक लोकसभा में विद्युत संशोधन बिल, जिसका नाम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 है, इसको सदन के पटल पर रखा जाना था, जिसका मसौदा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा 5 अगस्त पर हस्ताक्षर करके सौंपा जा चुका था। हम लोगों को अचानक यह पता चला कि आज 8 तारीख को यह संसद के पटल पर प्रस्तुत होने वाला है। हम लोगों ने वो इमरजेंसी मीटिंग करके कल आज इसको आह्वान किया और पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हर जगह पे हमारे यूनाइटेड फोरम के बैनर तले इस कार्य बहिष्कार का आयोजन किया गया। इसमें हम लोगों ने सुबह से ही आज तत्परता दिखाई और सभी लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं।